लाडले विधायक हमारे बीच में हमेशा उपस्थित रहे, हम इनका एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। समाज में दूरी हो गई लेकिन इन्होंने हमारे बीच में मनों में दूरी नहीं लाई थी। हमने कई बार खुद ने भी कहा कि भैया साहब आप आओ, हम आपके पीछे आपकी सहायता करने, आप आगे बढ़ के काम करते हो, हम कोशिश करते हैं कि आपको पीछे से कुछ आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके काम में आपका आपका पूरा साथ देंगे। और जयपुर की जनता जिसकी आप और हम आप लोग सारे लोग मिलकर सेवा कर रहे हैं, जयपुर की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और आप सबके बीच में यह भी कहना चाहूंगा कि जिस शानदार तरीके से राजस्थान में कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई के हमारे सबसे प्रमुख प्रेरक हमारे मुख्यमंत्री श्रद्धेय अशोक गहलोत जी की जो मेहनत है और जिस तरीके से दूरदर्शिता से उन्होंने निर्णय किए कि उनके निर्णय करने के बाद केंद्र सरकार वो निर्णय कर रही है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस दूरदर्शिता के साथ उन्होंने काम किया है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी के सम्मान में एक बार जोर से ताली बजाएं। और टीम महेश जोशी वो तो हमारे अध्यक्ष विनोद खटाना जी, मैं साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार उन्होंने ये हमारे सारे साथी आपका आपका सम्मान करना ये हमारे लिए गौरव की बात। आप लोगों ने सारी परेशानियां उठा के और कई जगह तो अपनी जान को जोखिम में डाल के आपने समाज की सेवा की, यही कारण है कि इतने अधिक परेशानियों के बावजूद, इतने अधिक पेशेंट आने के बावजूद हमारे यहाँ ठीक होने वालों की संख्या भी बहुत है और मृत्यु दर को भी हम बहुत कंट्रोल कर पाए। तो कोई लंबी बात कहने का भी अवसर नहीं है, ये कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी हमारा पीछा छोड़े इस बात की हम सब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो जिसको माने तो भगवान को माने, अल्लाह को माने, खुदा को माने, गॉड को माने, चाहे गुरु ग्रंथ साहब को माने, हम सब अपने अपने इबादत में अपने अपने पूजा में नियमित रूप से यह जरूर शामिल करें इस कोरोना वायरस से इस दुनिया का अच्छा। और ये मान के चलिए कि इबादत में, पूजा में, प्रार्थना में इनमें वो ताकत है जो कुछ भी कर सकते। भगवान ने हमें विवेक दिया, उस विवेक का काम में लेके हम सांसारिक काम भी करें, जो आप लोग कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो लोक की भी जिम्मेदारी निभाए और उस परलोक के ऊपर की भी जिम्मेदारी निभाए, दोनों जगह हम लोग कोशिश करें इससे हमारा पीछा छूटे। और जिस तरीके से अभी आप लोग काम कर रहे हैं, जब तक हम कोरोना वायरस से नहीं निकल जाते तब तक अपनी जिम्मेदारी का इस तरीके से निर्वहन करते रहें। हम सब लोग जो मंच पर खड़े हैं, मैं बहुत सारे लोगों का मेरे बार अभी जी कहा कि हमारे क्या मास्क भी लग रहा था नाम चाचा ने प्रकाशी अपनी भूमिका निभाई है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद कि ये जो लड़ाई थी और जो लड़ाई अभी बाकी है। मैं बाकी सब कुछ तो आदरणीय महेश जी भाई साहब ने बता दिया और छोड़ दिया सारा, लेकिन दो बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये
लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसको बिल्कुल भी लाइट न ले, इसको सीरियसनेस जितनी पहले थी उससे ज्यादा सीरियसनेस होने की जरूरत है। सीरियस होने की जरूरत इसलिए है कि आप लोगों का मिलना जुलना और सारी जो रूटीन लाइफ है वो शुरू हुई है, इसलिए ज्यादा रिस्क बढ़ी है। आप सब लोगों से यही निवेदन है कि अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवारजन का ध्यान रखें और जितना हम समाज के लिए कर सकते हैं जो करते आ रहे हैं वो करते रहें। ये ऐसी वैश्विक महामारी है कि आसानी से इसे पूरे विश्व में अभी तक पार नहीं पा पाए, लेकिन जहां तक राजस्थान का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने 18-18, 20-20 घंटे काम करके राजस्थान में जिस तरीके से इसमें कंट्रोल किया, उसमें आप सब लोगों की बहुत भूमिका है। मैं सरकार की तरफ से और सब लोगों की तरफ से आपको पुनः बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जिस स्पिरिट के साथ काम किया वो स्पिरिट को ना तोड़े। कल ही एक निर्णय सरकार ने किया है कि जो कोरोना के हॉटस्पॉट थे और जो घनी आबादी के जितने भी एरिए हैं उनके अंदर सब लोगों की जिम्मेदारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुसूसन दी है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो घर घर जाएं और कोरोना से किस तरह से बचाव होगा उसका पैम्पलेट 2-4 दिन में सरकार की तरफ से एडवाइजरी जो जारी हुई है वो आएगी। तो आप सब लोगों के साथ हम फिर से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके लोगों को सावचेत करेंगे कि इससे बचने की ये मेन मुख्य सावधानियां हैं, इसमें हमको फिर से लगना है। आप लोगों ने समय दिया, सब लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पंच की तरफ आ रहे हैं। ओके साहब, नेक्स्ट पवन कुमारी जी, नीलम मावर, अनसुईया पाली, ओके साहब, नेक्स्ट पुन्नी देवी, कृष्णा मेघवानी जी, कृष्णा मोटवानी जी, कृष्णा मोटवानी, ओके नेक्स्ट पवन कुमारी, नीलम मावर, कृष्णा मेडवानी, कविता गोडवाल, कविता गोडवाल जी आगे आते थे, तीन तीन का नाम बोलते थे, नीलम करेंगे लेकिन जनता का साथ देंगे। आज पिछले 22 मार्च से हमने यहाँ पर सीता रसोई चला रखी थी, प्रतिदिन 250 से लेकर 500 व्यक्तियों तक। मनीषा चौहान, सुनीता शर्मा, मनीषा चौहान, सुनीता शर्मा जी आशा सहयोगिनी है, बार कराची में आशा सहयोगियों को है, हो सकता है बहुत लोगों ने घरों में जाने के लिए मना कर दिया हो, बहुत से लोगों ने, लेकिन इन्होंने एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा। जैसे अमीन भाई ने कहा कि ये हर घर घर में जाकर इन्होंने अपना सेवा कार्य किया। हम सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस जन, विधायक आप लोगों को सैल्यूट करते हैं और आपको ताली बजाकर आगे बढ़ते हैं। आज हम सम्मान के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे जितने भी